ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना दोस्तों। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी अपने कारनामों के लिए ही जानी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बार तो अश्लीलता की सारी हदें ही पार कर दी है। आपको बता दें कि देश भर में चुनाव का माहौल गर्माया हुआ है, इसी बीच सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। देश के कई दिग्गज नेताओं को रोड शो और रैलियां करते हुए भी देखा जा सकता है। इसी बीच बीजेपी पार्टी के चुनाव प्रचार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें कुछ लड़कियां बीजेपी पार्टी का अश्लील डांस करते हुए प्रचार कर रही हैं। इस वायरल वीडियो के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और ऐसे में लोगों का गुस्सा भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए तमाम ट्विटर यूजर्स और विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को अपने निशाने पर ले लिया। इसी पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, भाजपा का चुनाव प्रचार हो रहा है, ये चाल चरित्र और चेहरा है मोदी जी की भाजपा का। इसी पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, अब भगवा का सम्मान हो रहा है यहाँ, दीपिका की बिकनी से जिनको दिक्कत थी कहाँ है सब चोर। इसी पर एक यूजर का कहना था, चुनाव प्रचार ऐसे करवाओ कि चार लोग झंडा देखकर ही बता दें कि किस नचनिया पार्टी का प्रचार हो रहा है। बीजेपी पार्टी चुनाव में भीड़ जुटाने के लिए गली कूचों में बन जाती है डीजे पार्टी। डीजे पार्टी को रंग और झंडे से पहचाने, हरकतें तो आप सब पहले से ही जानते हैं। दोस्तों बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह के अश्लील डांस का सहारा क्यों लेना पड़ा, जो कि हमारे समाज को दूषित करने का काम करता है। क्या केंद्र की सत्ताधारी पार्टी ने एक भी ऐसे काम नहीं किए जो वो अपने काम को गिना कर अपनी सफलताओं पर जनता को संबोधित कर सके और जनता का वोट बटोर सके? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।